नमस्कार दोस्तों, मैं पारस राय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल प्रॉपर्टी मास्टर पर। इस बार हम लेटेस्ट अपडेट लेके आए हैं स्टेट प्लस 4 जो पूरे हरियाणा गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, उसके ऊपर क्या अपडेट्स हैं, क्या हो रहा है। ये स्टार्ट हुआ 22 फेब से। आप सबको पता है, जो लोग हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं या जिन लोगों का भी रियल इस्टेट में इंटरेस्ट है वो सब इससे वाकिफ़ हैं। जिनको नहीं पता उनको एक बार फिर से दोबारा बता देना चाहता हूँ। अब तक हरियाणा में हरियाणा सरकार ने स्टेट प्लस 4 अलाउ किए हुए थे अपने सभी हुड्डा सेक्टर्स में, दीनदयाल प्लॉट्स में, लाइसेंस कॉलोनीज में। 22 फरवरी को अचानक ये खबर आई कि हमारी हरियाणा सरकार ने स्टेट प्लस 4 पे को बैन कर दिया है। वजह थी एक पंचकूला में चलता हुआ केस, ऑलरेडी डेवलप्ड सेक्टर में पंचकूला में नेबर्स का केस था, पड़ोसी ने स्टेट प्लस 4 बनाया, पड़ोसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हुई स्ट्रक्चर में, उसकी वजह से कोर्ट में केस गया, उसी की वजह से हरियाणा सरकार ने हमारी ये डिसीजन लिया कि स्टेट प्लस 4 को अभी रोक दिया जाए। उसके बाद हरियाणा सरकार ने 16 मार्च को एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का काम था कि वो ये देखे कि स्टेट प्लस 4 के क्या बेनिफिट हैं, क्या लॉस हैं। हमने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई हुई है, स्टेट प्लस 4 के बेनिफिट की बात करते हैं। तो एक कम प्राइस में लोगों को घर देने का सपना सच होता है, बिल्डर्स के लिए काम बढ़ता है। हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो उनको स्टैम्प ड्यूटी 4 फ्लोर्स पे मिलती है, कंस्ट्रक्शन जितनी हो रही है उस सब के ऊपर जितना रॉ मटेरियल लग रहा है उस सब के ऊपर सरकार को GST मिलती है। कोई भी बिल्डर या मकान मालिक स्टेट प्लस 4 बना रहा है तो FAR परचेज करनी पड़ती है, उसकी भी कॉस्टिंग है, वो भी हरियाणा सरकार को मिलती है। तो हरियाणा सरकार के लिए ये बहुत इजी डिसीजन नहीं है, ना था, शायद जल्दबाजी में इसे बैन कर दिया गया। अब कमेटी बनाने के बाद 16 मार्च से 13 अप्रैल तक लोगों से एक हरियाणा सरकार ने अपनी टाउन कंट्री प्लानरों ने एक पोल किया, सर्वे किया, लोगों से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आप किस फेवर में हैं, क्या स्टेट प्लस 4 के फेवर में हैं या इसको स्टेट प्लस 3 तक ही रखा जाए जो कि पहले पॉलिसी हुआ करती थी। 13 अप्रैल लास्ट डेट था, पोल्स खत्म हुए 13 अप्रैल को। कल 14 की बैसाखी की छुट्टी थी, कल हरियाणा सरकार ने ये बताया कि पोल्स के नतीजे क्या रहे। 84.3% लोगों ने स्टेट प्लस 4 के फेवर में वोट किया है। जी हाँ दोस्तों, 84.3%। तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जो कमेटी बनी थी 16 मार्च को, उसने 2 महीने के अंदर रिप्लाई करना है, तो विद इन मे उनको रिप्लाई करना है कि क्या आगे का क्या प्लानिंग रहेगी। इसके ऊपर भी 2 पक्ष हैं, र्यूमर्स थे मार्केट में कि क्या स्टेट प्लस 4 हुड्डा सेक्टर्स में पास होगा या लाइसेंस कॉलोनीज में पास होगा या दोनों में पास होगा। ऐसी काफ़ी उम्मीदें हैं कि शायद लाइसेंस कॉलोनीज में ये पास हो, नए सेक्टर्स में जो जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नया है, बेशक हो सकता है वो हुड्डा के भी हो सकते हैं, लेकिन जो नए सेक्टर्स हुड्डा ने पिछले 15-20 सालों में डेवलप करे हैं वहाँ पे सरकार हमारी स्टेट प्लस 4 अलाउ कर दे और बाकी सारे एरिया में स्टेट प्लस 3 ही रहे। ये क्या अनुमान है, र्यूमर्स है, इसके ऊपर मैं आज का आपको बताता हूँ जो आप सभी आज के न्यूज़पेपर्स में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आज की डिटेल्स आई हैं। 3 शहर फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला में सबसे ज़्यादा लोगों ने
वोटिंग में भाग लिया। बात करते हैं पंचकुला से। पंचकुला में 426 लोगों ने स्टिल्ट प्लस 4 के फेवर में वोट दिया और स्टिल्ट प्लस 4 के अगेंस्ट में 408 लोग थे, तो लगभग बराबर है दोनों, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। स्टिल्ट प्लस 4 ज्यादा है, वोट करने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। उसके बजाय आप अगर फरीदाबाद में देखते हैं तो 2811 लोगों ने स्टिल्ट प्लस 4 के फेवर में वोट दिया है और 550 लोगों ने स्टिल्ट प्लस 4 के अगेंस्ट वोट दिया है। इसके अलावा बात करते हैं गुरुग्राम की, तो वहां पे 16,370 लोगों ने स्टिल्ट प्लस 4 के फेवर में वोट दिया है और 2,438 लोगों ने स्टिल्ट प्लस 4 के अगेंस्ट वोट दिया है। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद और गुरुग्राम में ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन जहां बात कर रहे हैं पंचकुला की तो वहां पे डिफरेंस बहुत कम है। इसकी वजह क्या है? पंचकुला में अभी नई डेवलपमेंट लाइसेंस कॉलोनीज बहुत लिमिटेड है, पुराना ही सेक्टर्स बसा हुआ है, जो हुड्डा ने सेक्टर्स काटे हुए हैं। यही प्रॉब्लम भी थी, इसीलिए वहां से स्टार्ट हुआ था। आज फरीदाबाद और गुरुग्राम में देखोगे तो इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि नया सेक्टर बहुत है काम करने के लिए। जो पुराने बिल्डर पुराने सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, अगर बंद हो जाएगा काम तो उनको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो वहां से उठेंगे, ग्रेटर फरीदाबाद आ जाएंगे। आप गुरुग्राम की बात कर रहे हो तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन चले जाएंगे, न्यू गुड़गांव चले जाएंगे, द्वारका एक्सप्रेसवे चले जाएंगे, तो काम करने के बहुत सारे हैं उनके पास, अल्टरनेटिव्स बहुत हैं। पंचकुला में सिर्फ वही लिमिटेड था, पुराने ही एरिया के अंदर जो पड़ोसी रह रहे हैं। अब एक मैं ही अगर मैं मान लीजिए मैं ग्राउंड फ्लोर पे मेरा इंडिपेंडेंट घर है, मैं रह रहा हूँ, मेरा लेफ्ट वाला भी स्टिल्ट प्लस 4 बन गया, राइट वाला भी, दोनों स्टिल्ट प्लस 4 बन गए हैं, तो मुझे तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये नए सेक्टर्स में नहीं हो रहा, नए सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर नया है, वो सपोर्ट कर सकता है, और मेनली सारे ही स्टिल्ट प्लस 4 बन रहे हैं, मेजर कंस्ट्रक्शन यही है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि इसके ऊपर क्या फैसला आता है कि स्टिल्ट प्लस 4 रहता है। हमारी हरियाणा सरकार कब ये कमेटी जवाब देती है हरियाणा सरकार को, कब इसके ऊपर हरियाणा सरकार फैसला लेती है, ये बहुत ही जल्दी आप सबको पता लग जाएगा। चांसेस अभी भी यही हैं, जैसा हमने पहले भी बताया था कि नए लाइसेंस कॉलोनीज, नया सेक्टर फरीदाबाद में ग्रेटर फरीदाबाद, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन गुड़ग्राम, न्यू गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे, ऐसी जगह पे स्टिल्ट प्लस 4 पास हो जाएंगे। पुराने एरिया में जहां बसावट है बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन ज़्यादा रह रही है, पुराने सेक्टर्स हैं, वहां पे नहीं होगा। बाकी ये डिसीजन हम नहीं ले सकते, ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, र्यूमर्स हैं, अनुमान है। बाकी इसका फैसला बहुत जल्दी आएगा। आगे भी ऐसी न्यूज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल की लेटेस्ट न्यूज़ जैसे ही हमारे पास आएगी हम आपको इंटीमेट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल्स को बहुत सारे यूज़र्स देखते हैं, रेगुलर वॉच कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, चैनल को हमारे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।